नमस्कार सभी को, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आए आज फिर लेकर के आए हैं एक न्यू भजन। भजन के बोल हैं, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अब ये तो बात सही है भैया कि जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन ही कैसा। भजन की बात छोड़ो, कलयुग में ऐसे ऐसे भजन आ गए हैं, ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं जिनको सुन करके भी हंसी आती है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन बट उनका काम जाने। आए देखते हैं। और एक भैया सूचना देना चाहते हैं, जिसको श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कराना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 95-59-10-24-12। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आए सीखते हैं भजन। भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, और जिस जगह पे अपना मान ना हो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि महाराज कहते ना कि आव नहीं आदर नहीं नैनन नाहीं सने, और तुलसी वहाँ ना जाइए चाहे कंचन वरसे मेह, चाहे कंचनों की वारे सोने लगे, लेकिन जहाँ इसने और प्रेम सम्मान से बुलाया ना जाए वहाँ पर कदापि नहीं जाना चाहिए। तो आए देखते हैं कि जिस 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 भजन में राम का जिस भजन में राम का नाम न हो जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो शुरू से देखिए। जिस भजन में राम का नाम न हो गाना ना चाहिए उस भजन को गाना ना चाहिए उस भजन को गाना ना चाहिए।
अब इतना आ गया, अब देखते हैं अंतरा। निकलेगा जिससे वो निकला था, जिस भजन में राम का। अब देख लीजिए एक बार पुनः से, कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य ही कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भैया बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और बने रहिए देखते रहिए। और सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।